अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको आज स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, वो आपको गौर से सुनना है, ठीक है। इसकी वीडियो को बिल्कुल नहीं करना है, अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर शुरू से नहीं देखेंगे तो फिर आपको आधा अधूरा ही समझ में आएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर यही रहेगा कि आप पूरा वीडियो देखें और फिर समझें, फिर आगे आपको अगर करना होगा कभी भी स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन तो आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें जो है परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ईजीली समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, आप जो समझ सकते हैं। तो पहले बात, अगर आपको कॉन्ट्रेक्टर से कनेक्शन देना है, सबसे पहले आपको समझ लेना है कि ये वायर क्या हुआ है। ये ए वन में जो है फेस डालना है, ए वन फेस में से आपको एक वायर लेना है ब्रेकर से, यहाँ से मेन सप्लाई से, यहाँ से लेकर के डायरेक्ट आपको यहाँ पर टाइमर में लेके आ जाना। ये आपका एनालॉग टाइमर मीटर है, ठीक है, ये एनालॉग टाइमर है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे टाइमर में आ गया है, देख सकते हैं, ये आपको रेड है, ठीक है, एल रेड। आप ब्लू भी डाल सकते हैं इसमें सप्लाई, येलो भी डाल सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, लेकिन एल एल में सप्लाई आएगा, तो याद रखना है ध्यान से। उसके बाद हमने ये इसमें से फिर फोटो सेल का भी कनेक्शन जाता है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये फोटो सेल है, फोटो सेल से भी कनेक्शन है, लेकिन ये अंदर है इलेक्ट्रिकल रूम है, इसलिए फोटो सेल यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसलिए वो उसको कैंसिल करके कर दिया गया है, लेकिन कनेक्शन उसका रख दिया गया है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये हमको पहले सबसे पहले क्या करना है, न्यूट्रल लेना है, एक न्यूट्रल दूसरे न्यूट्रल के साथ ये फोटो सेल के लिए यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। ये हमने लिया दो वायर न्यूट्रल, और ये हमारा कनेक्टर है, वायर कनेक्टर जिसको बोलते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ये वायर कनेक्टर है। इसको हमने इस तरह से कनेक्शन को न्यूट्रल को हमने जोड़ दिया। उसके बाद यह हमने न्यूट्रल में कनेक्शन मार दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने एक न्यूट्रल निकाल दिया है, ये न्यूट्रल एक फोटो सेल के लिए हो गया, इसमें से आप फोटो सेल के लिए एक ब्लैक वायर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये एक वायर रह गया ब्लैक। इसको हम क्या करेंगे, एनालॉग टाइमर जो है इसके अंदर हम डालेंगे, ये मेरा, मैं इसको पुश करेंगे, पुश करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे, ये हमारा प्रॉपर कनेक्शन हो गया सप्लाई का। मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया, आप पहले लगाने के बाद इसको खींच के देखिएगा कि निकल तो नहीं रहा, ठीक है, इस पर ध्यान देना है, अगर निकल रहा और हल्का लूज है तो इसको फिर से दोबारा निकाल लेंगे, जैसे हमने अभी निकाल लिया, क्योंकि इसके अंदर का जो खांचा है वो टर्मिनल का ज़्यादा नहीं है, कम है। टर्मिनल को निकालेंगे, इसको पुश करेंगे इस तरह के साथ में, तो ठीक है, निकाल करके रख करके ऐसे, फिर अगर पकड़ने वाला तो ठीक है, खुद अगर अकेले कनेक्शन कर रहे हैं तो इस तरह से आप पुश करके और इसके अंदर आप कनेक्शन कर दीजिए, आपका प्रॉपर कनेक्शन हो गया, कहीं भी आपको वायर नहीं दिख रहा है, ये निकलेगा भी नहीं, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन जो है टाइमर के अंदर हो गया। उसके बाद ए वन का सप्लाई याद रखना है कि ए वन का सप्लाई कभी भी ब्रेकर से देना है, मेन सप्लाई जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, जब ये कनेक्ट करेगा कॉन्ट्रेक्टर का पूरा ब्रेकर के अंदर सप्लाई आएगा, ठीक है। हमने सबसे पहले ए वन का सप्लाई डाल दिया, उसके बाद ये हमारा फोटो सेल का तीन वायर आया हुआ है, रेड वाइट और ब्लैक, ठीक है, ये हमने कैंसिल कर दिया, पर अभी इसका कोई काम नहीं, हमें इसको अंदर कर देता है, ठीक है, वायर हमने एक वायर फोटो सेल का जो है
ये कनेक्टर है, इसे हमने सप्लाई को यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। बढ़िया से टाइट कर लेना है कि बाहर ना निकले, अगर निकल जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अगर बॉडी में टच हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से टाइट कर लेना और इस तरह से लूज कनेक्शन तो नहीं है, चेक कर लेना ठीक है। इसके लिए हमारा एनालॉग टाइमर मीटर टाइमर है, इसके हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे ठीक है। हमको इस बार इसको बढ़िया से एडजस्ट कर लेना है, हमारा फ्यूचर के लिए जो है सर का पैसा हमने रख दिया। अब मेन जो वायर है मैं आपको समझा दूं, ये आपका तीन केबल जो है ये आपका इन नहीं है, ये आउट केबल है, ये जो है ब्रेकर से इन यहाँ पर आया हुआ है, ये कॉन्ट्रेक्टर है, कॉन्ट्रेक्टर से उसके डायरेक्ट जो है ये ब्रेकर में जाएगा, तीन बार आर वाई बी का तीन फेज जाएगा ठीक है। और यहाँ से फिर जब ये ब्रेकर उठाएंगे, अभी ग्राउंड कॉन्ट्रेक्टर बता देते हैं, यहाँ पर ऊपर में सप्लाई है ठीक है, देख सकते हैं आपको सप्लाई मिलेगा ब्रेकर में, ऊपर में सप्लाई है, इसमें है, इसमें भी है ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें है, इसमें है, देख सकते हैं इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये जो है आपका इनकमिंग ऊपर है ठीक है, ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर। ये आपका कॉन्ट्रेक्टर, आप जैसे हम इसको उठाएंगे ये सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, ये बिल्कुल आ रहा है, ये कॉन्ट्रेक्टर को जाएगा यहाँ पे ठीक है। जब आपका टाइमर जब एक्टिव होगा ये सप्लाई जो है कॉन्ट्रेक्टर यहाँ से दिया हुआ है ए वन में ठीक है, ये हम इसको उठा देंगे सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। जब ये टाइमर के जरिए ये सेट है, जब टाइमर ये घूमेगा टाइमिंग के ऊपर जब एक्टिव होगा 5 बजे 6 बजे जब एक्टिव ये होगा ये सप्लाई जो है इसको देगा कॉन्ट्रेक्टर, तो कॉन्ट्रेक्टर फिर सप्लाई देगा पूरे ब्रेकर को, फिर ये स्ट्रेट लाइट आपका चालू हो जाएगा ठीक है। तो ये आपका तीन बार याद रखना, ये आपका आउट गोइंग है ठीक है, ध्यान से रखना है। और इसमें से ये कॉन्ट्रेक्टर जो है ये तीन बार जो क्या हुआ ये सब में लूप है, ये आर एन वाई का जो सर्किट है ये सब में लूप है, ये लूप है आप देख सकते हैं, ये सब लूप वायर है ठीक है, सप्लाई आएगा तो आपको लाइट जलेगा, नहीं जाएगा इसके अंदर सप्लाई तो लाइट नहीं जलेगा। आज का टॉपिक इसी पर था स्ट्रेट लाइट पे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।